और आज मैं आप लोगों को एक शर्ट कटिंग करना बता रहा हूँ। शर्ट का मेजरमेंट है लंबाई 25.5 इंच, शोल्डर 18 इंच, चेस्ट 40 इंच, स्टमक 38 इंच, हिप 40 इंच, कॉलर है 15.5 इंच, स्लीव लेंथ है 9.5 इंच, हाफ स्लीव है और स्लीव का गोलाई है 13 इंच 13 इंच। और इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 140 140। सबसे पहले कपड़े को हम स्ट्रेट कर लेंगे, एक सीधा मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क में मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है और सबसे पहले हम शोल्डर डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन 2 इंच। चेस्ट है इसका 40 इंच, 40 का चौथा हिस्सा करेंगे 10 इंच होता है, 1 इंच कम करके हम 9 इंच लगा रहे हैं। नॉर्मल आधा इंच कम करते हैं हम, लेकिन इसमें हमने 1 इंच कम किया है क्योंकि आर्म होल जो है ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, थोड़ा टाइट में ही चाहिए, तो इसलिए हमने 1 इंच कम करके 9 इंच पर लगाया। अब इसमें 7 इंच प्लस कर देंगे, 9 7 16 इंच, ये हमारा स्टमक डाउन हो जाएगा। आर्म होल डाउन 9 इंच किया है तो इसमें हमने 7 इंच प्लस किया तो 9 7 16 इंच, स्टमक डाउन 16 इंच। अब इसका लेंथ लंबाई है 25.5 इंच 25.5 इंच और इसमें टोटल मार्जिंग 1.5 इंच प्लस करना है नीचे फोल्ड करने के लिए और ऊपर सिलाई का जो मार्जिंग जाएगा, तो 2 इंच 9 इंच 16 इंच और 27 इंच। अब ये सेम मार्क हम लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ साइड किनारे पीस से यहाँ 2.5 इंच मार्क लगाना है, 2.5 इंच, और इस मार्क को नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट कर लेना है। कॉलर है 15.5 इंच, जितना भी कॉलर है उसको 5 से डिवाइड करना है, पांचवा हिस्सा करना है और फ्रंट में 2 सूत कम कर देना है, तो पांचवा हिस्सा होता है 3 इंच और 2 सूत हम कम करके 2.75 इंच मार्क लगाएंगे। जितना भी पांचवा हिस्सा होता है उसमें 2 सूत कम करके लगाना है। यहाँ हम 1.5 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। इसका शोल्डर है 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 9.5 इंच। यहाँ शोल्डर का हाफ रखना है, शोल्डर 18 है, 18 का हाफ 9 इंच, आप ये 9 इंच भी लगा सकते हो शोल्डर का हाफ, लेकिन हम इसमें आधा इंच कम करेंगे, हाफ इंच माइनस, 9 इंच भी लगा सकते हैं, आधा इंच हमने कम किया है क्योंकि यहाँ हमको ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, इसलिए हमने आधा इंच कम किया है। आप ये 9 इंच भी लगा सकते हो, जैसे कि शोल्डर है 18, 18 का हाफ करेंगे, 18 का आधा 9 इंच, तो ये 9 इंच ऐसे रखना है और मार्क लगा लेना है। लूज फिटिंग वालों के लिए यहाँ कम नहीं करना है, पूरा लगाना है। हमने आधा इंच इसलिए कम किया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिंकल हो जाता है, तो रिंकल कम चाहिए इसलिए हमने आधा इंच यहाँ कम कर दिया है। अब यहाँ चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, सीना का चौथा हिस्सा करना है, सीना 40 है, चौथा हिस्सा 10 इंच, 10 चौके 40। अब यहाँ से लूजिंग और मार्जिन ऐड करना है 2 इंच 2 इंच, 1.5 इंच का लूजिंग है और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, तो टोटल 2 इंच। यहाँ हम स्टमक को 4 से डिवाइड करेंगे, स्टमक 38 है, चौथा हिस्सा 9.5 इंच और यहाँ भी लूजिंग और प्लस सिलाई के लिए मार्जिन 2 इंच। यहाँ हिप को 4 से डिवाइड करना है, हिप है 40, चौथा हिस्सा 10 इंच और मार्जिन 2 इंच। अब हिप और स्टमक में 2 इंच का ही डिस्टेंस है, तो यहाँ हम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे।
और यहाँ हम इसको ऐसे शेप कर देंगे। यहाँ से एप्पल कट के लिए 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 2 इंच, और इसको यहाँ से ऐसे शेप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से 1/4 इंच 3/4 पे एक मार्क लगाना है, यहाँ भी 1/4 इंच। ये जो हम 1/4 इंच लगा रहे हैं, इस मार्क से हमारा बैक कटिंग होगा, यानी बैक हमारा फ्रंट से 1/4 इंच कम रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बैक कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 3 इंच पे मार्क लगाना है, 3 इंच। ये मैं विदाउट जॉइंट वाला शोल्डर कट करना बता रहा हूँ। तो यहाँ 3 इंच मार्क लगाकर हमने इस मार्क को स्ट्रेट कर लिया है ना। अब ये जो पॉइंट है ऊपर, इसको इस मार्क में रखना है, और यहाँ जो हमने 1/4 इंच पे ये मार्क लगाया हुआ है, ये 1/4 इंच, ये जो हमारा 1/4 इंच का मार्क है, इस मार्क को यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ इसको ऐसे 1/4 इंच वाले मार्क पे हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से 3 इंच ऊपर उठाना है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क लगा रहे हैं, ऐसे 3 इंच, और फिर यहाँ से भी हमको 3 इंच पे मार्क लगाना है, यानी यहाँ भी हमको 3 इंच ऊपर उठाना है ऐसे। यहाँ हमने फ्रंट में 1/3 इंच मार्क लगाया है कॉलर का हाला, तो 2 सूत प्लस करके अब हम यहाँ बैक में 3 इंच मार्क लगाएंगे, यानी बैक में जो है कॉलर का 1/5 हिस्सा लगाना है, फ्रंट से 2 सूत ज़्यादा। अब यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1.5 इंच। यहाँ से हमने ऊपर उठाया है 3 इंच, और यहाँ से भी 3 इंच। अब यहाँ इसको मेजरमेंट कर लेना है, ये जितना है सेम उतना ही यहाँ ऊपर हम मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच, 1/4 इंच भी लगा सकते हैं। अब यहां से एक मार्क लगाना है 1/2 इंच पे, 1.5 इंच। ये जो हमने 1.5 इंच लगाया है, ये यहां से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और अब हम स्लीव का कटिंग कर रहे हैं, बाजू का कटिंग। तो ऐसे 4 लेयर में इसको हमने फोल्ड कर लिया। अब हमने आर्म होल डाउन किया था 9 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच हम यहाँ स्ट्रेट रख रहे हैं, कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए 1 इंच प्लस करके 10 इंच ऐसे स्ट्रेट कर लिए। अब इस मार्क में मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे,
और इसका आर्म होल डाउन करेंगे। सीना 40 है, 40 का आठवां हिस्सा 5 इंच होता है, आधा इंच कम करके 4.5 इंच मार्क लगाएंगे। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच माइनस कर देंगे। अब बाजू की लंबाई है 9.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच, 4.5 और 10.5, 10.5 इंच। आर्म होल हमने डाउन किया था 9 इंच, तो यहाँ ये 9 इंच मार्क लगा लेना है, 9 इंच। अब ये फाइनल मार्क नहीं है, मैं आप लोगों को स्लीव से मेजरमेंट करके दिखाऊंगा, अगर आगे पीछे होता है तो वो भी बताऊंगा। तो जितना हमने आर्म होल डाउन किया है उतना ही यहाँ मार्क लगा लेना है। और यहाँ बॉटम का गोलाई है 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। अब यहाँ एक मार्क लगाना है 1.5 इंच पे, 1.5 इंच, और ये यहीं से ऐसे शेप करना है। अब यहाँ हम बैक से मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ ये जो हमने 1.5 इंच पे मार्क लगाया हुआ है ऐसे रखना है, और यहाँ इसको ऐसे पकड़ के देख लेना है कि छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ आएगा, यानी 2 सूत ये और बढ़ रहा है, तो यहाँ रखेंगे हम, ये वाले मार्क को फॉलो करेंगे। अब यहाँ 2 सूत डाउन कर देना है ऐसे, अब यहाँ हमने इसमें बॉटम में मार्जिन नहीं रखा है फोल्ड करने के लिए, हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। फिर से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं रखा है क्योंकि हम इसमें अलग से पट्टी बनाएंगे, यानी डिजाइन बनाएंगे। अब इसको यहीं से शेप में 1/2 इंच बड़ा कट करना है ऐसे, यानी फ्रंट से बैक 1/2 इंच बड़ा रहेगा। और अब हम शोल्डर कट करेंगे, यानी शोल्डर का जो इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा शोल्डर लगाएंगे वो हम कट करेंगे। तो शोल्डर जो है खड़े कपड़े में कट करना है, स्ट्रेट फैब्रिक में। अब शोल्डर 18 इंच है, तो यहां हम 2 इंच प्लस करके यहां इसको मार्क लगा लेते हैं, और शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच, 6 इंच। अब इसको डबल में ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहां हमने शोल्डर का चौड़ाई रखा है 6 इंच, 6 इंच, और अब बैक को इसके ऊपर रखना है, ऊपर से बराबर करके रखना है, और यहां साइड से भी, और यहां साइड से भी देखो, यहां भी बराबर रखना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर स्टिच कर देना है, सिलाई कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ आपको आधा इंच, ये देखो हाफ इंच यहाँ कट करके मिला देना है शेप में, आधा इंच ऐसे शेप में कट करके मिला दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा।